आई एम वेलकमिंग ऑल ऑफ यू इन माय सेकंड क्लास, जो हमारी फर्स्ट क्लास थी रिप्रोडक्शन, उसके आगे की क्लास है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें आज हम ये सारे टाइप डिस्कस करने वाले। इसमें फर्स्ट है फीजन। अब हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फर्स्ट टाइप फीजन, या फिर इसको हम सामान्य भाषा में बोलेंगे विखंडन। सीधी सी बात है, नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो है शरीर जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो अलग अलग टुकड़ों में टूटने वाला है। तो यह कितने टुकड़ों में टूटेगा उसके बेस पर दो टाइप का होता है, बाइनरी फिजन और सेकेंड वन इज मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन को हम सामान्य भाषा में द्विविखंडन भी बोलते हैं। क्या होगी इसकी डेफिनेशन? बाइनरी फिजन इज दैट टाइप ऑफ फिजन वेयर पेरेंट बॉडी माइटोटिकली डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकली हाफ एंड ईच हाफ डेवलप्स इनटू टू न्यू ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जो पेरेंट बॉडी होगी, जो पैतृक जीव या जंतु होगा, उसके बॉडी जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी और वो दो पार्ट सेम टू सेम डिटो कॉपी होंगे उसके पेरेंट्स के, और जो दो पार्ट डिवाइड होंगे वो आगे चलकर दो नए जीव बनाएंगे। फिर बात करते हैं अपन मल्टीपल फिजन, बहुविखंडन की डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर जो है पेरेंट बॉडी माइटोटिकली डिवाइड्स इनटू मल्टीपल आइडेंटिकली पार्ट्स एंड ईच पार्ट्स डेवलप्स इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जो पेरेंट बॉडी है वह दो या दो से बहुत ज्यादा बहुत बार जो है डिवाइड होती है मल्टीपल टाइम्स, और हर पार्ट जो डिवाइड होता है वह जो है आगे जाकर क्या बनाता है, नया जीव बनाता है। इसमें क्या होगा, इन दोनों ही फिजन में जो है पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और उसके बाद में उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म आ जाएगा। अब हम बात करते हैं बाइनरी फिजन के एग्जांपल की। तो बाइनरी फिजन में हम एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल लेंगे अमीबा का, उसके बाद लेंगे हम पैरामीशियम और युग्लिना का। जबकि मल्टीपल फिजन में हमारे पास में एग्जाम्पल होगा प्लाज्मोडियम का, जो हार्श कंडीशन होती है तब अमीबा भी इसका एग्जाम्पल शो करता है। फिजन इसमें फर्स्ट है बाइनरी फिजन, जिसमें कि पेरेंट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और बाद में जो है दो डॉटर इन्फेंट या दो डॉटर ऑर्गेनिज्म या दो डॉटर सेल बना देगा एट दी लास्ट। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं अमीबा का, जिसमें फर्स्ट उसका न्यूक्लियस जो है पेरेंट का न्यूक्लियस मेच्योरेशन ग्रोथ फेज में जाकर जो है ग्रो कर रहा है और उसके बाद वो डिवाइड हो रहा है और डिवाइड होकर एट दी लास्ट वो दो अमीबा को जो है रिप्रोड्यूस कर रहा है। बट यहाँ पे बात ध्यान देने की यह है बच्चों की, यहाँ पर जो है इरेगुलर सरफेस से अमीबा का जो है डिवाइडेशन हुआ है, मतलब कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है, कहीं से भी अमीबा जो अपनी बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर लेता है। फिर हम बात करते हैं पैरामीशियम की। पैरामीशियम में भी जो है फर्स्ट न्यूक्लियस का ही डिवाइडेशन होगा और उसके बाद उससे दो डॉटर पैरामीशियम हमें मिलती हुई दिख रही है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है, स्पेशल बात है कि जो पैरामीशियम में न्यूक्लियस का डिवाइडेशन होता है वो उसकी बॉडी के ट्रांसफर सेक्शन से, ट्रांसफर पार्ट से, मतलब कि आड़ा जो है इसमें डिवाइडेशन होगा और उससे जो है न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद में साइटोप्लाज्म भी दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड हो जाएगा और हमें दो डॉटर पैरामीशियम मिलेंगे। थर्ड एग्जांपल हम ले रहे हैं युग्लिना का। युग्लिना इसमें जो डिवाइडेशन होगा वो भी न्यूक्लियस का ही होगा और बाद में साइटोप्लाज्म का होगा, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस का जो डिवाइडेशन होगा वो खड़ा होगा वर्टिकल डिवाइडेशन, मतलब कि इसकी बॉडी के वर्टिकल पार्ट से खड़ा अगर हम काटे तो हम देखेंगे वर्टिकली जो है न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो न्यूक्लियस बनाता है और उसी न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है बाद में साइटोप्लाज्म अरेंज हो जाती है और दो न्यू डॉटर युग्लिना हमें मिलती है। तो इस तरीके से हमने बाइनरी फिजन को तीन अलग अलग एग्जाम्पल के फॉर्म में पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे मल्टीपल फिजन। टाइप ऑफ फिजन इज मल्टीपल फिजन, नाम से ही पता चल रहा है मल्टीपल। यहाँ पर जो है फर्स्ट न्यूक्लियस जो है मल्टीपल इरेगुलरली डिवाइडेशन होता रहता है और उसके बाद में उसके अंदर साइटोप्लाज्म आ जाता है और सिस्ट का फॉर्मेशन भी उसके चारों तरफ हो जाता है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ब्रेकडाउन ऑफ सिस्ट हो जाता है। सिस्ट का मीनिंग होगा पुट्टी का, तो ये पुट्टी का टूट जाती है, ब्रेकडाउन ऑफ सिस्ट हो जाता है और जो डॉटर सेल होती है वो बाहर आ जाती है। यहाँ पे हमने एग्जांपल जो लिया है वो प्लाज्मोडियम का लिया है। प्लाज्मोडियम जो कि पेरासाइट है मलेरिया का, पर आ जाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बडिंग मुकुलन। क्या होता है यह? इट इज अ टाइप ऑफ और मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर अ जेनेटिकली आइडेंटिकल न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रोस अटैच्ड टू द बॉडी ऑफ देयर
पेरेंट्स, मतलब कि मुकुलन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें कि एक जीनी समानता रखने वाला नया ऑर्गेनिज्म जो है उसके पेरेंट्स के शरीर पर ही जो है ग्रोथ करता है, डेवलप्ड होता है और उसके बाद वह वहां से अलग होकर नया जीव बनाता है। अब ये कहां पर ग्रो कर रहा है, क्या उसके शरीर के बाहर की तरफ ग्रो कर रहा है, अंदर की तरफ ग्रो कर रहा है, उसके बेस पर दो टाइप के होता है, इंटरनल या एंडोजीनियस और आउटर बडिंग। तो पहले हम आउटर बडिंग को देख लेते हैं। आउटर बडिंग का फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास में है हाइड्रा, जिसमें हम देखते हैं कि हाइड्रा जो होता है पेरेंट बॉडी धीरे धीरे जब वो ग्रो करती है तो उसके बॉडी पर बाहर की तरफ जो है ओवरग्रोथ होने लग जाती है। इस ओवरग्रोथ को हम बोलेंगे बर्ड फॉर्मेशन, या ओवरग्रोथ जो होती है बर्ड का निर्माण करती है, बर्ड को बोलते हैं हम मुकुल या उभार। तो यह बनना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे फिर यह ग्रो करता है और नए बर्ड में डेवलप्ड हो जाता है, नया मुकुल बना देता है और अब यह नया जीव नया हाइड्रा बन गया। इसी तरीके से इसका एक और एग्जाम्पल हमारे पास में ईस्ट का है। ईस्ट जो है यहाँ पर आपके आउटर बडिंग का भी एग्जाम्पल है, जिसमें कि जो है ओवरग्रोथ होती है और नया ईस्ट जो है डेवलप्ड हो जाता है। फिर हम आते हैं इंटरनल या एंडोजीनियस बडिंग पर, जिसका एग्जांपल पोरीफर्स होते हैं, स्पॉन्ज होते हैं, स्पॉन्ज के अंदर जेमिल फॉर्मेशन होता है तो इसमें एक संरचना बन जाती है और एक स्ट्रक्चर बन जाता है राउंड शेप और उसके वो जो है दो मेम्ब्रेन दो झिल्लियों से ढका हुआ रहता है और स्पॉन्ज की खासियत है क्योंकि यह पानी में मिलते हैं समुद्र में मिलते हैं तो इसके ऊपर स्पिक्यूल्स मिलते हैं और बाहर की दोनों झिल्लियों पर स्पिक्यूल्स मिलते हैं और उसके अंदर की तरफ जो है अब ओवरग्रोथ आगे से आगे डिवाइड होती है और जो है यह कहलाते हैं जेम्यूल। इस प्रोसेस को हम जेम्यूल फॉर्मेशन भी बोलेंगे, ठीक है। और यह माइक्रोपाइल एक छोटा सा छिद्र होता है उससे बाहर निकलती है। तो इस तरीके से हमने अभी तक दो जो है मेथड्स पढ़ लिए हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब आगे हम इसका तीसरा मेथड लेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट या इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम थर्ड टाइप पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, रीजनरेशन। इसका मीनिंग होगा पुनर्जनन या पुनर्निर्माण। क्या होता है यह? इट इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू जनरेट लॉस्ट और डैमेज पार्ट। मतलब कि यह किसी भी जीव की एक क्षमता है, उसके शारीरिक क्षमता है जिससे कि वह अपने शरीर के खोए हुए या डैमेज पार्ट को पुनः प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहाँ अगर हम देखें प्लेनेरिया का एग्जांपल, तो प्लेनेरिया में जो है ये बहुत ही हायर लेवल पर मिलता है हमें और बहुत ही अच्छे तरीके से हम रीजनरेशन को प्लेनेरिया के एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि अगर मैं प्लेनेरिया की बॉडी को तीन पार्ट में डिवाइड करूँ तो आप देखोगे हर पार्ट जो है उसका खोया हुआ पार्ट वापिस से अपने बचे हुए पार्ट को बनाने की कोशिश करता है और लास्ट में जो है वो पार्ट बना देता है और उससे नया एनिमल वापिस बन जाता है। रीजनरेशन जनरली हमारे घर की जो घरेलू छिपकली है, हाउस लिजार्ड है, उसको हम उसकी जो टेल पार्ट है उसमें भी रीजनरेशन की वजह से ही वापिस वो टेल आ जाती है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप की फ्रेगमेंटेशन, नाम से ही पता चल रहा है। फ्रेगमेंट मतलब क्या होता है? टुकड़े। तो इस वाले रिप्रोडक्शन के टाइप में क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अगर हम टुकड़े करते हैं तो हर एक टुकड़ा जो है वो नया जीव बना देगा। हम देखेंगे अभी इसका एग्जाम्पल स्पंज वगैरह, उससे पहले हम इसका एक थोड़ा सा डेफिनेशन फॉर्म में फ्रेगमेंटेशन को देख लेते हैं। फ्रेगमेंटेशन इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर पेरेंट बॉडी कट्स और डिवाइड्स इनटू सेवरल पार्ट्स एंड ईच पार्ट डेवलप्स इनटू न्यू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। मतलब कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें कि पेरेंट बॉडी को अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया या तोड़ दिया जाए और हर टुकड़ा जो है वह नया ऑर्गेनिज्म या नया जीव बना दे। तो स्पाइरोगायरा में हम देखते हैं, अगर हम स्पाइरोगायरा के टुकड़े कर देवे, हर सेप्टा को अगर हम इसके अलग कर दे तो हर पार्ट जो है वो नया स्पाइरोगायरा में डेवलप्ड हो जाता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है स्पोरुलेशन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं स्पोर फॉर्मेशन, हिंदी में हम इसको बोलेंगे बीजाणु जनन। बीजाणु जनन
इसमें क्या होता है कि एक बार में जो है 100 नंबर्स में रिप्रोडक्टिव यूनिट जनन की जो इकाई बनती है वो स्पोर होते हैं, बीजाणु होते हैं, उनका निर्माण होता है। मेनली ये जू स्पोर, कोनिडिया और जो है हमारे पोरीफर्स में बनते हैं। यहाँ पे हम जू स्पोर और कोनिडिया को एक्सप्लेन करेंगे। तो होता क्या, स्पोरुलेशन में इसमें पेरेंट बॉडी जो होती है वो प्रोड्यूस करती है वेरियस नंबर में रिप्रोडक्टिव यूनिट, जिनको हम स्पोर बोलते हैं। और एक बार में 100 या उससे भी ज्यादा या लगभग 100 के करीब करीब जो है इसमें स्पोर्स फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट है इसमें जू स्पोर। जू स्पोर में जो है हम एग्जांपल देखेंगे क्लेमाइडोमोनास का। क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है कि रेगुलरली जो है पहले तो ग्रोथ होती है पुराने स्पोर में और पुराने पेरेंट बॉडी में, और उसके बाद में उसमें न्यूक्लियाई के चारों तरफ जो है स्पोर मेम्ब्रेन बनती है, और उसके बाद मेचुरेशन होता है स्पोर में और सेल डिवाइडेशन होता है। तो मेचुरेशन के थ्रू जो है, क्योंकि ये जू स्पोर है और इसके मोटाई जो है एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लेजिलाइट, आई फ्लेजिलेट होता है। और जब क्योंकि यह पानी में तैरने वाली एल्गी है तो ये क्लेमाइडोमोनास जो है जब इसकी फेवरेबल कंडीशन आती है तो इसके चारों तरफ की जो मेम्ब्रेन है वह ब्लास्ट हो जाती है और अंदर से जो है बहुत सारे स्पोर्स के फॉर्म में क्लेमाइडोमोनास जो है डॉटर क्लेमाइडोमोनास बाहर की तरफ निकल जाएंगे। फिर बात करते हैं अपन कोनिडिया फॉर्मेशन की। पेनिसिलियम हमारे पास में नाम है, फंगस का एक महत्वपूर्ण एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर स्टार्टिंग में स्पोर फॉर्मेशन की जो है यूनिट है इसके ऊपर सिंगल एक स्पोर बनता रहता है, उसके बाद में आगे से आगे कंटिन्यूसली जो है और स्पोर बनते जाते हैं जिसमें एक यूनिट कहलाती है कोनिडिया। जो ये स्पोर बने इसको कोनिडिया हम बोलते हैं। तो मेनली जो स्पोरुलेशन के एग्जांपल होंगे वो हमारे एल्गी और फंगस से रिलेटेड होंगे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट मेथड जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसको हम कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन भी बोलते हैं। जैसा कि बच्चों आपको नाम से ही पता चल रहा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और रिप्रोडक्शन मतलब कि कोई भी वेजिटेटिव पार्ट जैसे कि जड़, तना या पत्ती जो है उसके अंदर जो है रिप्रोडक्शन यूनिट डेवलप्ड हो जाएगी और नया प्लांट वहां से बनेगा। तो ये दो टाइप का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल तो ऑटोमेटिकली होता रहता है नेचुरली, और आर्टिफिशियली ये हम ह्यूमन बींग करते हैं। तो नेचुरल में हम देखते हैं हमारे घर में पटेटो है, जिंजर है, इसके एग्जांपल है ऑफसेट है, ट्यूबर्स है, तो ये इसके एग्जांपल यहाँ पर है नेचुरल में। जबकि आर्टिफिशियल में हम कटिंग, जिसमें हम किसी भी प्लांट का कोई भी पार्ट जो है वो कट कर अलग से जो है गमले में लगा देते हैं, बगीचे में लगा देते हैं और अलाउ करते हैं कि वहाँ पे रूट्स आ जाए, उसकी सप्लाई करते रहते हैं पानी की हो गई और फर्टिलाइजर्स उसमें प्रोवाइड कराते हैं। वही लेयरिंग में जो है हम लोग जो है एक लेयर लगाते हैं, जूट का बैग ले लेते हैं, उसके अंदर मिट्टी भर के या तो एयर में लगा देते हैं या फिर पास में ही उस प्लांट को जो है मोड़ कर जो है हम जमीन में दबा देते हैं। इसमें हम वेजिटेटिव पार्ट को जो है अलाउ करेंगे आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए, लेकिन उसको जो मेन प्लांट है पेरेंट प्लांट है उससे अलग नहीं करेंगे जब तक कि रूट्स नहीं आ जाए। भाई ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, हम ग्राफ्ट करते हैं एक एक्स प्लांट को लेते हैं, उसके वेजिटेटिव पार्ट को मेनली इसमें स्टेम को लिया जाता है और दूसरे प्लांट के ऊपर जो है हम उसको इम्प्लांट कर देते हैं, ग्राफ्ट कर देते हैं। तो ये अलग अलग मेथड इनके जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं।